दरम्यान विजयवर्गीय यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयतक कोलीत मिळाले. मोदी सरकारवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनी जोरदार टीका केली आहे. अकेले शाहरुख ने तो नहीं कहा है, इस देश के अंदर ये बात तो बहुत लोगों ने कही है कि इस देश के अंदर इनटॉलरेंस हो रहा है. क्या राष्ट्रपति भी पाकिस्तानी है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी पाकिस्तानी है? क्या वो तमाम साहित्यकार भी पाकिस्तानी है? कल हमने पूरा एक प्रोसेशन निकाला था, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया था. क्या हम सब पाकिस्तानी हैं? सिर्फ शाहरुख एक मुसलमान है, उस पे इस तरीके का इल्जाम लगाना निंदनीय है. जिस तरह से साध्वी प्राची, विजयवर्गी शाहरुख खान को पाकिस्तान चले जाओ इस तरह की सलाह दे रहे हैं, हमें लगता है ये बहुत ही गलत है. शायद शाहरुख खान के परिवार का इतिहास उन्हें पता नहीं. शाहरुख खान के परिवार ने आज़ाद हिंद फौज में नेतृत्व किया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और ऐसे परिवार के लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह देना ये उचित नहीं. उन्हें समझना पड़ेगा कि 1947 में इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना को अपना नेता नहीं, गांधी जी को अपना नेता माना था, और इसलिए वो यहाँ हैं और यहाँ ही रहेंगे, ये लोगों को समझना पड़ेगा. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.